सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकॉन और पाए मुंबई, नवी मुंबई एवं बॉलीवुड की ताजा तरीन खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से देश की बागडोर अपने हाथ में संभाली है, तब से उनकी प्राथमिकता में सबसे अव्वल रहा स्वच्छता, जो उनका मुख्य लक्ष्य भी है। अपने हर संभाषण में उन्होंने देशवासियों को स्वच्छता का संदेश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इसी लक्ष्य और संदेश को अमल में लाते हुए कोपरखेर ने सेक्टर 14 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में नवी मुंबई भाजपा द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया गया, जहां पर पूर्व सांसद संजीव नाइक, पूर्व विधायक संदीप नाइक एवं पूर्व महापौर सागर नाइक के साथ ही सभी पूर्व नगर सेवक पक्ष कार्यकर्ताओं ने हाथों में झाड़ू लेकर सड़क पर झाड़ू लगाकर स्वच्छता अभियान सफल किया। इसके बाद स्वच्छता कर्मियों के बीच अनाज का वितरण भी किया गया। कार्यक्रम के बाद एनएमटीवी से बात करते हुए पूर्व सांसद संजीव नाइक ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने हमेशा से ही स्वच्छता पर जोर दिया है, इसीलिए स्वच्छ भारत का अभियान कर उन्हें जन्मदिन की अनोखी भेंट दी गई है। साथ ही हमेशा से ही नवी मुंबई को स्वच्छ रखने वाले स्वच्छता कर्मियों के बीच अनाज का वितरण भी किया गया है। आपल्या देशाचे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहेबांच्या वाढदिवसाच्या निमित्ताने त्यांनी जे अंगीकारलेल्या विचारांचा आणि गुणांचा आदर या ठिकाणी नवी मुंबई भारतीय जनता पक्षाच्या माध्यमातून आपण बघितलं असेल की स्वच्छता अभियान हे स्वतः झाडू घेऊन पंतप्रधानांनी देशाला एक शिकवणूक दिली की आपल्याला भारत हे खऱ्या अर्थानं स्वच्छ करायचं आहे आणि त्याची सुरुवात त्यांनी हातात झाडू घेऊन केली होती। तोच एक अभियान या ठिकाणी आज आमचे सर्व सन्माननीय नगरसेवक नगरसेविका पदाधिकारी यांच्या माध्यमातून या ठिकाणी केलेला आहे। मला आनंद आहे की हे करत असताना आज या कोरोनाच्या महामारीत लॉकडाऊनला त्याच्यानंतर अनलॉकला अशा पद्धतीचे साधारण 6 महिने पूर्ण होत आहेत, तरीसुद्धा इथल्या काही पदाधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून आणि त्यांनी काही गरजू लोकांना गरीब लोकांना अन्न धान्याचं वाटप या ठिकाणी केलेलं आहे। मला आनंद आहे की या सेवाभावी विचारानं देशातील गरजू लोकांना मदत करण्याचं कार्य हे प्रधानमंत्री साहेबांनी नेहमीच घेतलेलं आहे आणि त्याचाच एक छोटासा अंग म्हणून कोपरखेरना विभागामध्ये हा उपक्रम राबवलेला आहे। मी सर्व आमच्या सहकाऱ्यांचं अभिनंदन करतो आणि माननीय प्रधानमंत्री साहेबांना शतायुष्य त्यांना लाभो, त्यांच्याकडून देशाची जी आजपर्यंत झालेली सेवा आहे अजून त्याच्यात वृद्धिंगत हो अशी त्यांना आम्ही या ठिकाणी शुभेच्छा व्यक्त करतो। ब्यूरो रिपोर्ट, एनएमटीवी न्यूज़।